केमिकल रिएक्शन, देखते हैं भैया केमिकल रिएक्शन है क्या। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, हमने लिख लिया भैया, अब हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन है क्या, सबसे पहले हम इस वर्ड को समझते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल हमने समझ लिया, केमिकल क्या होता है, एनीथिंग व्हिच इज द केमिकल फॉर्मूला इज कॉल्ड द केमिकल। देखिए आपको पता है हाइड्रोजन, जानते हैं आप अच्छी तरह जानते हैं किस चीज़ को, हाइड्रोजन। मैंने यहाँ पे लिखा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक गैस है, हाइड्रोजन एक गैस है, हाइड्रोजन एक गैस है। कैसी गैस है, कम्बिसिबल, कम्बिसिबल गैस है। कम्बिसिबल का है कम्बस, मतलब ऐसी गैस जिसकी आग लग सकती है, मतलब हाईली फ्लेमेबल है। ये क्या है, हाईली फ्लेमेबल, मतलब ऐसी गैस जिसके आग लग सकती है। इस गैस की क्या लग सकती है, हाइड्रोजन की आग, और उसको हमने रिएक्शन कराया ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ में। ऑक्सीजन भी एक गैस है, ये कैसी गैस है जो कि आग लगाने में मदद करती है, मतलब क्या है ये, हेल्पफुल है, हेल्पफुल इन कम्बसन, कि ये कम्बसन के अंदर हेल्पफुल करती है। कंबसन के अंदर क्या है, हेल्पफुल है, मतलब ये इसके आग लगती है, ये आग लगाने में मदद करता है। दोनों मिलके फिर बनाते हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन देन फेम वाटर, देन फॉर्म्ड वाटर। और जब ये वाटर बना, ये क्या करता है, आग को बुझाता है। दिस आर द, ये क्या काम आता है, आग बुझाने के काम आता है। आपको समझ में आया, देखिए हाइड्रोजन इज ए कम्बेसिबल गैस, ऐसी गैस है जिसकी आग लग सकती है, मतलब हाईली फ्लेमेबल है ये। ऑक्सीजन वो गैस है जो आग लगाने में मदद करती है, ठीक है। और इन दोनों को मिलने से जो बना वो क्या मिला, वाटर, जो आग बुझाने में काम आती है। यही दिस इज कॉल्ड द केमिकल रिएक्शन। इसे क्या समझ में, केमिकल रिएक्शन वो चीज़ है जिसके अंदर दो चीज़ मिलके एक बिल्कुल अलग थर्ड चीज़, तीसरी चीज़ बनाए, उसे क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होता है, टू कंस्टिट्यूएंट्स आर मिक्स, दो कंस्टिट्यूएंट मिलके एक तीसरा कंस्टिट्यूएंट बना जिसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल ही अलग है। इसकी प्रॉपर्टी है आग लगने की, इसकी प्रॉपर्टी है आग लगवाने की, लेकिन वाटर की प्रॉपर्टी है आग बुझाने की। दिस इज कॉल्ड द केमिकल रिएक्शन, यही क्या है, केमिकल रिएक्शन। तो छोटी ही एक हम डेफिनेशन यहाँ पे बना लेते हैं, वेन टू छोटी हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक डेफिनेशन तैयार कर लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन है क्या। हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि व्हेन टू और मोर देन टू और मोर देन टू कंपोनेंट मिक्स दे फॉर्म न्यू सब्सटेंस which have completely different from two। हम क्या कह सकते हैं, केमिकल रिएक्शन वो चीज़ है जिसके अंदर दो कंपोनेंट मिक्स होते हैं और फिर कोई तीसरा कंपोनेंट बनता है जो बिल्कुल ही अलग है। उसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी अलग, उन्हें कहते हैं हम केमिकल रिएक्शन। तो आपको केमिकल रिएक्शन समझ में आएगी, केमिकल रिएक्शन है क्या, ठीक है। तो आप समझ चुके केमिकल रिएक्शन है क्या। एक बार फिर से देख लीजिए, व्हेन टू, केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है। केमिकल रिएक्शन क्या है, एक प्रोसेस जिसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर एक नया का सब्सटेंस बनाया जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी इन दोनों से अलग है। ये आग लगाने का काम आता है, ये इसके आग लगते हैं, ये आग लगाने का काम आता है और ये आग बुझाने का काम आता है। हम ऐसे भी कह सकते हैं इस चीज़ को, केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विद डिफरेंट प्रॉपर्टी। तो समझ में आएगी केमिकल रिएक्शन क्या, केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसके अंदर
केमिकल रिएक्शंस के अंदर एक नया सब्सटेंस बनता है विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज, की प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो केमिकल रिएक्शंस में आ गए और अपने चैप्टर का नाम था केमिकल रिएक्शन और दूसरा वर्ड था केमिकल इक्वेशन। अब हम देखते हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। अब हम देखते हैं केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन देख लिया, हम देखते हैं केमिकल इक्वेशन। मैंने आपको इक्वेशन बताया था, इक्वेशन का मीनिंग होता है किसी भी चीज़ को सिंबल्स की फॉर्म में लिखना। तो हम यहाँ पे वही करने जा रहे हैं, जैसे कि हमें पता है कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंपल क्या है, सिंबल क्या है, H2। और ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सिंबल क्या है, O2। और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, वाटर, वाटर का सिंबल क्या है, H2। अब मैंने केमिकल रिएक्शंस को सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, केमिकल रिएक्शन को मैंने क्या कर दिया, सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। दिस इज द कॉल्ड द केमिकल इक्वेशन। ये हो गई हमारे पास केमिकल इक्वेशन, क्या हो गई, केमिकल इक्वेशन। तो समझ में आ गई मेरे हिसाब से केमिकल इक्वेशन है क्या, व्हेन केमिकल रिएक्शंस आर रिप्रेजेंट, when chemical reactions are represent in the form of symbol is called chemical equation। बिल्कुल आराम से देखिएगा और मैं point to point आपको ये चीज़ें क्लियर करता जाऊँगा, आराम से डेफिनेशन लिखेंगे, हर चीज़ लिख के चलेंगे पर थोड़ा ध्यान से, बिल्कुल आराम से, कि हम किस बात करते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या है, when, डेफिनेशन लिख देता हूँ मैं, ये केमिकल इक्वेशन है क्या, when chemical रिएक्शन, व्हेन केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट, व्हेन केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स, किसकी फॉर्म में, सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। उसे हम क्या कह सकते हैं, केमिकल इक्वेशन, यहाँ से आप लिख लीजिए केमिकल इक्वेशन क्या है, व्हेन केमिकल रिएक्शंस रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। जब किसी भी केमिकल रिएक्शंस को सिंबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। तो आपको केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन समझ में आ गया, जो अपने चैप्टर का नाम ही क्या था, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, अपने चैप्टर का। इस चैप्टर के अंदर मैं आपको ले जाने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट बताना चाहता हूँ, वो आपको बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि देख लीजिए ये चैप्टर बड़ा बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ये चैप्टर मुझे अच्छी तरह आता है। अगर आपको भी ये चैप्टर अच्छी तरह से सीखना है तो कुछ पॉइंट मैं बताऊँगा वो आपको रिमेंबर करने बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि मान लीजिए मैं किसी पार्टी में जा रहा हूँ, ये मान लीजिए मैं हूँ और मैं किसी पार्टी में जा रहा हूँ, चलो मैं एक बार रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ आपको क्या चीज़ें कैसे। मान लीजिए ये मैं हूँ, मतलब मैं ये बना दिया कि ये मैं हूँ, ठीक है, ड्राइंग अच्छी, लो चलो मैं इसको ऐसे बनाता हूँ। मान लीजिए ये मैं हूँ, ठीक है, और मैं आपको कह रहा हूँ कि भैया चलो मेरे साथ पार्टी में, आपको कोई सर नहीं, हम नहीं जाने वाले, क्योंकि आपको वहाँ में कोई भी पार्टी में नहीं जानता है, आप हो, मान लीजिए आप हो यू, मैं कहा कि भाई मेरे साथ पार्टी में, सर मैं क्यों जाऊँ पार्टी में, मैं तो किसी को जानता ही नहीं, मैं तो वहाँ पे बोर हो जाऊँगा। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं पार्टी में जाने से पहले मैं आपको सभी से मिला देता हूँ, ताकि आप उससे फ्रेंडली हो जाए, वहाँ पे पार्टी में आपको मजा आए। तो इसीलिए मैं इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले, इस चैप्टर में आपको ले जाने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें बता देना चाहता हूँ, ताकि आप इस चैप्टर से फ्रेंडली हो जाए, ठीक है। जैसे मान लीजिए पार्टी में, ये मान लेते हैं ये एक पार्टी, ठीक है, इस पार्टी में मैं आपको ले जाने से पहले मैं आपको सभी चीज़ें मिला देता हूँ कि ये कौन कौन है, ये है, आप इनसे बात करिए, इनका नाम है, तो आप क्या फ्रेंडली हो जाएंगे। अगर आपका एक भी जानकार निकला तो आप उस पार्टी को एंजॉय कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको पहले कुछ पॉइंट इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। तो आप कॉपी पेन के साथ तैयार रहिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, देखिए भैया, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये चैप्टर कहीं ना कहीं नाइन्थ क्लास से रिलेट करता है। मैं आपके वहाँ के भी कॉन्सेप्ट कुछ लूँगा, अगर आपको नाइन्थ नहीं आती तो कोई टेंशन की बात नहीं, मैं आपको यहाँ पे पॉइंट क्लियर करा के आगे चलूँगा। एक बार आप ध्यान से देख लीजिए,